हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। तो मैं द्रविड़ राय पश्चिम बंगाल से। दोस्तों, आज का थंबनेल तो आपने देखा ही है कि वीडियो में क्या होने वाला है, लेकिन वीडियो में काफ़ी सारा बातचीत भी करेंगे। आज मेरा HD फॉक्स का पहला विड्रॉल है जो कि $600, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। मेरा बैंक स्टेटमेंट भी आपको मैं दिखाऊंगा। बट सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों, मैं हूँ बंगाली और आज है दुर्गा पूजा। तो ये पूजा जो होते हैं वो हमारे कल्चर का एक बहुत ही बड़ा पूजा माना जाता है। ठीक है, हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं इस पूजा को और काफ़ी टाइम तक इस पूजा का हम लोग वेट करते हैं। तो उम्मीद करूंगा इस पूजा में सभी लोगों का हेल्थ एंड वेल्थ बेहतर रहे, और इसी उम्मीद के साथ जो है वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मेरा जो HD फॉक्स का अकाउंट है वो लगभग 2 हफ्ते पुराना हो चुका है। मतलब 2 हफ्ते से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और HD फॉक्स बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अभी कुछ चीज़ जो है मैं वीडियो का आखिर में कहता हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि अभी का जो भी मैं वीडियो बनाऊँ फ्यूचर में, सारा का सारा जो रिस्क फैक्टर है उसमें मैं पहले कवर करूँ। और जो सब्जेक्ट है हमारा जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि विड्रॉल्स, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ अपडेट्स हैं, वो सारा का सारा मैं बाद में क्लियर करूँगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो का आखिर तक लोग नहीं देखते और रिस्क फैक्टर के बारे में लोग नहीं जानते। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर आपको रिस्क लेने में कोई दिक्कत है, अगर आपको रिस्क लेने में तकलीफ होता है, अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई प्रोग्राम और ऐसे जगह पे मैं निवेश करूं जहां पे कोई भी रिस्क ना हो, 100% सेफ हो, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका नियरेस्ट बैंक ही हो सकता है, जहां पे आपको महीने का 4-5% मिलेगा। बट अगर ऑनलाइन में मेरे साथ या किसी भी यूट्यूबर के साथ अगर आप जा रहे हो, तो वो चॉइस जो है आपका पर्सनल है। हम खुद स्टडी करने के बाद, खुद के इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको अपना राय देते हैं। तो कृपया करके कोई भी प्लेटफॉर्म में निवेश करने से पहले आप भी अपने तरफ से जितना भी स्टडी करना होता है वो कीजिए। ये नहीं है कि देखिए ऑनलाइन में जो भी प्रोग्राम होता है आज नहीं तो कल स्कैम करने वाला ही है। ठीक है, कोई आज करेगा तो कोई कल करेगा, वैसे भी कोई चीज़ का यहाँ पे कोई गारंटी वारंटी नहीं होता है। जैसे कि लास्ट HD फॉक्स में कल आपने देखे होंगे, जो भी लोग मेरे साथ हैं देखे होंगे कि कल इशू आया था, सर्वर पे लोड आया था। हुआ क्या है, अभी 10-15 दिनों से इस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो कंपनी भी इसको अपडेट कर रहा है, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है, सर्वर को अपडेट कर रहा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बट मुझे मेरा आग देख के आपको पता चल रहा है कि 2:30-3 बजे तक मैंने लोगों का रिप्लाई किया, इवन सुबह 5 बजे से, मतलब मैं सोया ही नहीं। ठीक है, तो ये भी सही नहीं लगता कि भाई हम रिस्क बता के काम करते हैं फिर भी लोग इतना पैनिक क्रिएट करते हैं। तो जो लोग इतना ज़्यादा पैनिक करते हैं, प्लीज़ HD फॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो है अपने अकाउंट से विड्रॉल ले सकते हैं, विड्रॉल मिनिमम 1 से 2 दिन में विड्रॉल्स आ जाता है। ठीक है, बस इतना उम्मीद रखिए, जो मैं कहता हूँ वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे जो कम्युनिटी है और कोई भी यूट्यूबर का जो कम्युनिटी होता है वो काफ़ी डिवाइड रहता है। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करते हैं, काफ़ी लोग ऐसा होता है कि जिनको रिक्स ही चाहिए, हाई रिक्स हाई रिवॉर्ड ही चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए स्टेबल कॉन्सेप्ट चाहिए। रिक्स तो हमेशा हर एक जगह पे रहेगा। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आपको करोड़पति बनाने के लिए यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम अपना काम कर रहे हैं जहाँ पे हमने अपना पैसा लगाया। तो चलिए, वीडियो बहुत लेट हो जाता है हमारा, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपका मेरा विड्रॉल्स दिखाता हूँ। ये मेरा अकाउंट है और HD फॉक्स के ऊपर जो भी अपडेट्स मिलता है, जो भी सिग्नल मिलता है, आप लोगों को पता है 2 चैनल है, एक है टेलीग्राम जो नॉर्मल लोगों के लिए, जो देखना चाहते हैं HD फॉक्स से प्रॉफिट हो रहा ही नहीं है उनको लिए है, और जो हमारा टेलीग्राम है पर्सनल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सिग्नल्स मैं उधर ही प्रोवाइड करता हूँ। 5 मिनट का काम होता है, आपको पता है जैसे कि रात में ट्रेड होता है, 5 मिनट में हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट है 1-2%। तो मैं अभी यहाँ पे मोर पे जाऊँगा तो ऊपर मेरा बैलेंस देख सकते हो 0 है। ठीक है, हालांकि काफ़ी सारा जो भी लोग कल ट्रेड किए हैं उनका मैक्सिमम कंपनी जो है खुद से इसको क्लोज किए हैं, सभी लोगों के पास आ चुका है उनके फंड, बट मुझे लगता है कि 8-10% लोगों के पास जो है अपना जो बैलेंस है मेन बैलेंस वो अभी यहाँ पे 0 ही दिखा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को नीचे जो है कुछ मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा जो कि कंपनी का है, उनके साथ आप बात करो, ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मतलब 2-4 घंटे के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली मे भी हो सकता है सॉल्व हो, या आप थोड़ा सा बात करो, क्योंकि मैंने कंपनी से अभी थोड़ी टाइम पहले बात किया था, उन्होंने कहा कि ठीक है वेट कीजिए हो जाएगा। ओके, तो मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा यहाँ पे तो बैलेंस शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं विड्रॉल्स पे जाऊँगा, यहाँ पे फंड पे मैं जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, या आप नीचे अगर आपके कोई लोग हैं जिनका से आपका कुछ कमीशन आता है, तो यहाँ पे आपको दिखाता है। तो यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हो कि $500 का मैंने विड्रॉल लगाया था। ये विड्रॉल लगाया था एक्चुअली सैटरडे को। ठीक है, तो सैटरडे का विड्रॉल लगा, ये जो विड्रॉल हमने लगाया था ये फ्राइडे को लगाया था, क्योंकि सैटरडे संडे आप विड्रॉल रिक्वेस्ट कर भी नहीं सकते हो। ठीक है,
तो ये मैंने लगाया था सैटरडे को और मुझे मिला था मंडे को, ठीक है। तो ये जो है मुझे वन वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है मिल चुका है। और लास्ट जो देख सकते हो $99 का ये विड्रॉल मैंने मारा है, वो मैंने कल ही मारा था और कल ही मुझे रिसीव हो गया था, मतलब 24 आवर्स भी नहीं लगा था, इतना जल्दी मुझे रिसीव हुआ था। बाकी जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर आप देख रहे हो वो सारा का सारा जो भी हम अकाउंट्स में एक्टिविटीज़ करते हैं या कुछ कमीशन वगैरह आता है और या ट्रांजेक्शन करते हैं, सारा का सारा यहाँ पर आपका रहता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो सकता है कि ये जो है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ग्रुप में भी ये पोस्ट किया था, ये देख सकते हो 11 तारीख को जो है मुझे पैसा रिसीव हुआ है, जो $99 समथिंग मैंने रिसीव किया। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो विड्रॉल है $77 के हिसाब से आपको मिलता है, जो कि आप देखेंगे तो इतना ही होता है। तो 7623 रुपीज़ मुझे मिला है और जो मेरा $500 का मुझे पेमेंट मुझे मिला है ये भी सुबह ही मिला है आज, ठीक है। ये 12 तारीख देख सकते हो आप, 38,500 ये दो पेमेंट मुझे मिला है। तो ये है इसका विड्रॉल प्रूफ कि भाई हाँ कंपनी एकदम सही तरीके से टाइम टू टाइम जो है कंपनी पेमेंट कर रहा है। मिनिमम डिपॉजिट जो है आपको $50 ही करना है, उसके नीचे जो है आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो फैक है FAQ है वहाँ पे सारा का सारा डिटेल्स लिखा है कि कितना टाइम में विड्रॉल आता है, कितना मिनिमम डिपॉजिट करना होता है। तो मिनिमम जो है $50 के नीचे आप डिपॉजिट मत कीजिए, मिनिमम $50 कर सकते हो, INR से भी कर सकते हो और USDT से भी कर सकते हो। तो जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया कि कैसे डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो, वीडियो के नीचे वो लिंक है, उस लिंक से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मिनिमम विड्रॉल, लोग कहते हैं कि मिनिमम विड्रॉल क्या है, तो सर मिनिमम विड्रॉल जो है $22 है मिनिमम, ठीक है ना। इसके ऊपर ही आप विड्रॉल डालने की दोस्तों यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बैलेंस तो मेरा शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे विड्रॉल्स में जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप बैंक विड्रॉल लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो KYC आपका होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा KYC प्रोसेस है, मैंने बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो कि $100 अगर आप देते हो तो यहाँ पे 7,700 आता है INR में, इंडिया में। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो विड्रॉल्स आपका आ रहा है वो 77 रुपया के हिसाब से, $1 के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी हिसाब से अगर USDT में आप देखेंगे, TRC20 में $100 अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको $100 नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, $97.36। दैट मीन्स क्या, अगर आप INR से पेमेंट लेते हो अपने बैंक अकाउंट में तो ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन आप अगर ज़्यादा पेमेंट होगा तो लोग, नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा पेमेंट जब होता है लोग रिसीव करते हैं तो अपने बैंक खाते में नहीं लेते हैं, वो अपना क्रिप्टो में ही लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट यहाँ पे मैंने जितना देखा है कि बैंक अकाउंट में लेना ही बेटर है, क्योंकि थोड़ा दो पैसा ज़्यादा हमको मिलता है। कुछ लोगों का सवाल था कि सर डिपॉजिट एंड विड्रॉल का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने जितना देखा है यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल टोटली यहाँ पे वर्किंग डेज में ही होता है, ना ही आप यहाँ पे डिपॉजिट वर्किंग डेज को छोड़ के, मतलब सैटरडे संडे नहीं कर सकते हो आप, और सैटरडे संडे आप विड्रॉल भी नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और विड्रॉल का टाइमिंग जो मैंने आपको बताया है तो वो जो है मैक्सिमम 1-2 दिन तक ही है। यहाँ पे कंपनी में FAQ में लिखा है मैक्सिमम 3 डेज, यहाँ पे देख सकते हो 3 वर्किंग डेज हैं, 3 बिजनेस डेज है, दैट मीन्स वर्किंग डेज, बट 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है विड्रॉल्स आ जाता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने ज़रूर चाहूँगा, यहाँ पे देखिए KYC होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे आप, मैं विड्रॉल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक कार्ड के जगह पे, बैंक कार्ड जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको डालना ही है, KYC नहीं करेंगे तो विड्रॉल्स भी नहीं होगा, डिपॉजिट तो हो जाएगा लेकिन विड्रॉल्स नहीं होगा, ठीक है। तो बैंक कार्ड, ये पे मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया था, इसलिए मेरा विड्रॉल्स लेट में हुआ था, कस्टमर केयर से बात किया, उसके बाद चेंज किया, उसके बाद किया, नहीं तो मेरा 2-4 दिन पहले ही विड्रॉल हो जाता, ठीक है। विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा ही नहीं था, बट यहाँ पे क्या ना, बैंक कार्ड जो वहाँ पे लिखा है वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भर दीजिएगा, कार्ड होल्डर के नाम जगह पे आपका खुद का नाम लिख दीजिएगा, जिस मतलब नाम से आपका बैंक खाता है, और बैंक नेम वो आप SBI डाल दीजिएगा या ICICI जो भी है, और ब्रांच जो यहाँ पे ना बैंक ब्रांच, तो बैंक ब्रांच के जगह पे मैंने अपना यहाँ पे लिख दिया था, IFC कोड नहीं लिखा था, तो यहाँ पे IFC कोड ही लिखना है आपको। बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको एकदम सही से, अगर आपने गलती किया है तो आप कस्टमर केयर के नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो कि वीडियो के नीचे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा कितना क्या कमीशन जनरेट हुआ है, हालांकि यहाँ पे मैं जस्ट ही स्टार्ट किया हूँ यहाँ पे, बट कितना कमीशन जनरेट हुआ है और किस तरीके से ये नेटवर्क काम करता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टी लेवल वाला कुछ तो है नहीं, यहाँ पे देखिए शेयर
टू मेक मनी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा टीम जो है अभी फर्स्ट लेवल पे 125 मतलब डायरेक्ट जो है मेरे लिंक से ज्वाइन किया 125 लोगों ने, सेकंड लेवल दैट मींस उनके नीचे जो है 58 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, मेरा थर्ड लेवल पे 27 मेंबर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो टोटल जो मेरा अभी यहाँ पे कमीशन बना है तो देख सकते हो कि फर्स्ट लेवल से $329, सेकेंड लेवल से $49, थर्ड लेवल से $5 बना है। कमीशन बहुत ही तगड़ा है यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं है कि आपने $100 लगाया है और आपका इनकम जो है $500 हो चुका है तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं, आप कभी भी अपना पूरा पैसा भी यहाँ पे निकाल सकते हो। आपका हो सकता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100, लेकिन आप यहाँ पे डेली $100 भी कमा सकते हो, डेली $500 भी कमा सकते हो और विड्रॉल्स भी कर सकते हो। कोई मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको इतना ही अकाउंट में रखना है, इतना ही बैलेंस मेंटेन करना है, बट मिनिमम $50 आपको मेंटेन करना है। अगर आप $50 भी विड्रॉल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, वर्किंग 2 डेज के अंदर अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कमीशन की बात किया जाए तो देखिए मैंने पहले भी ये चीज़ क्लियर किया है कि जो यहाँ पे टैक्स बनता है, ये अगर आप नए हो तो पुराना वीडियो के नीचे लिंक है, पूरा बिजनेस प्लान देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है, जो लॉट साइज हम लोग लेते हैं, लॉट साइज का जो चार्ज होता है, ठीक है ना, जो लॉट साइज का जो टैक्स होता है वो टैक्स का जो है 15% जो है फर्स्ट लेवल में, उसी टैक्स का जो है 10% जो है सेकेंड लेवल में और उसी टैक्स का 5% जो है थर्ड लेवल में, बस इतना सा ही कमीशन स्ट्रक्चर है। और कमीशन जो भी आपको रिसीव होगा विद इन, देखिए ये चीज़ भी मैंने देखा है, 8:30 बजे तक हमारा जो है ट्रेड लग जाता है यहाँ पे, और 8:30 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर अंदर रात को वही उसी दिन आपको जो है कमीशन मिल जाता है। यहाँ पे आप फंड पे क्लिक करेंगे तो जो भी कमीशन आपको किस आईडी से मिला है, किस ईमेल एड्रेस से मिला है, अगर आपके नीचे टीम है, ठीक है, कुछ लोगों का, तो वो आप देख पाएंगे किधर से कितना कमीशन आपको जनरेट हुआ है। अभी लास्ट वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, तो कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन की बात करते हैं जो कि कंपनी कहता है, आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे कंपनी बहुत बार बता चुका है, इवन मैं भी बता चुका हूँ ग्रुप में, तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का आईडी ब्लॉक होता है, मेन रीज़न होता है कि लोग मल्टीपल आईडी लेते हैं। एक चीज़ को समझो, 3 लेवल का ही कमीशन है, कोई अगर तीन लेवल का कमीशन लेने के लिए खुद का ही आईडी डाल देगा, ठीक है, तो वो तो अपना पैसा खुद ही ले जाएगा, तो इसमें कोई पब्लिसिटी भी नहीं होगा, कंपनी का भी कुछ प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कंपनी क्या चाहता है, कोई भी कंपनी चाहता है मार्केटिंग और लीडर्स को पैसा जाए, सिंपल सी बात है। तो कंपनी का यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स है, अगर आप मल्टीपल आईडी लेते हो तो आपका आईडी जो है 100% जो है ब्लॉक किया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी डाउनलाइन का आईडी ओपन किया, ठीक है, तो भी आपका आईडी ब्लॉक हो सकता है। तो दैट मीन्स के आप कभी भी कोशिश मत कीजिएगा कि सेम ईमेल एड्रेस से आप अलग अलग मोबाइल में जो घर में होता है, ठीक है, वो मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि क्यों हम लोग चांस लें, तो ऑलरेडी रिस्की प्रोग्राम है, उसके ऊपर आप चांस लोगे उसके बाद कंपनी भी आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि अब बस आपका ही आईडी जो है आपके मोबाइल से ओपन करो, दूसरा अगर कोई आईडी है तो वो अपने मोबाइल से ओपन मत करो, ठीक है, ये क्योंकि आईपी वो लोग ट्रेस करते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इतना ही वीडियो है, वीडियो के आखिर में इतना ही कहूँगा, अच्छा प्लेटफॉर्म है, रिस्की प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म है कंटिन्यू जो है 4-5 महीने से बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट दे रहा है, बहुत बड़ा बड़ा लोग जो है यहाँ पे मैंने देखा है $25,000-$30,000 से भी लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, $50 से भी लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। लालच नहीं करना है, जितना भी आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी है उतने से आप आओ, पैसा कमाओ और कोशिश करो कि जो भी आपका सीड मनी है वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल लो, क्योंकि एक बार सीड मनी अपना निकल गया उसके बाद रिस्क तो कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, 1000 लोग ही सिर्फ बाकी है, मेरा 50,000 हो जाएगा मेरा फैमिली, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ भी अगर कमेंट करना है आपको रिगार्डिंग इस प्लेटफॉर्म के बारे में तो कर सकते हो। काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं, सर बेकार प्लेटफॉर्म है, कल चला जाएगा, सर मतलब ही नहीं है सब कमेंट करने का, ठीक है ना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा ना ही इस टाइप का कमेंट में मैं किसी को एंटरटेन करूंगा। जिसको रिस्क लेना है वो आएगा, जिसको रिस्क नहीं लेना है वो नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।